सो हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, हम करने वाले हैं टेस्ट वन फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ और टर्म वन का एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। और सबसे पहले रीड कर लें कि टेस्ट देने के पहले कॉपी और एक पेन अपने साथ रख लें और अपना ऑप्शन टिक करें ताकि आपको पता चले कि आपका कितना आंसर करेक्ट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन आज का। पहला क्वेश्चन है ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड, है ना, ये आपका होता है क्वेश्चन नंबर वन। कह रहा है ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड अट्रैक्ट एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। कह रहा है ए पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, तो बताओ कि वो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, वो ऑब्जेक्ट किस तरह का होगा, यानी वो वस्तु किस तरीके की होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से अपना ऑप्शन लिखो और आंसर लिखो, जल्दी से बताना। ठीक है, चार्ज क्या होगा, नेगेटिवली न्यूट्रल, आइदर नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल और मैग्नेट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, या तो वो आइदर वो नेगेटिव चार्ज होगा या तो न्यूट्रल चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई चार्ज है पॉजिटिव तो किस टाइप का चीज को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा, या तो वो चार्ज नेगेटिव हो या फिर वो चार्ज कहता हो न्यूट्रल हो, है ना, चार्ज कहता हो न्यूट्रल हो। तो न्यूट्रल चार्ज को क्यों खींचता है अपनी ओर, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, यानी जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा सामने और पॉजिटिव चार्ज जाएगा दूर, तो क्या करेगा, इसको हमेशा अपनी ओर खींचेगा। जैसे आपका लोहे, लोहे को हमेशा मैग्नेट खींचता है ना, इस टाइप से आप समझ सकते हो। बात करते हैं जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर टू की, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर टू। कह रहा है ए चार्ज क्यू इज इनक्लोज By a Gaussian spherical surface of radius r, if the radius is double, then the outward electric flux will be, है ना, एक आवेश क्यू त्रिज्या r की एक गौसी गोलाकार सतह से घिरा है, यदि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो बताओ बाहरी विद्युत प्रभाव क्या होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, हाफ इंक्रीज, फोर टाइम्स, रिमेन अनचेंज और डबल, है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी है, इसको करेक्ट करना यहाँ पर। ठीक है, तो क्या होगा कि पहले मान लो एक चार्ज क्यू रखा था और ये आर रेडियस पर रखा था, तो इसमें से कितना फ्लक्स निकल रहा था बाहर, उसको मैंने डिनोट कर दिया, ये हो गया फ्लक्स। ठीक, मान लो चार लाइन बाहर निकल रही थी ना, आउटवर्ड फ्लक्स। अब मैंने क्या किया, रेडियस को क्या कर दिया, डबल, यानी अब जिसका साइज है वो बढ़ गया। अब बताओ बढ़ने पर भी क्या फ्लक्स का, जो जितने पहले भी चार लाइन निकल रही थी बाहर, अभी भी कितनी लाइन निकलेगी, बाहर निकलेगी, यानी फ्लक्स में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग थ्रू ए सरफेस एरिया, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, कोई चेंज नहीं आएगा, यानी जो पहले था अभी भी उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर थ्री, ओम्स लॉ इज वैलिड, ओम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, व्हेन टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इज, कंडक्टर में, है ना, कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ वैलिड कब होता है, जब टेम्परेचर कैसा हो, है ना, टेम्परेचर का चालक का तापमान क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तभी हम जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं V इक्वल टू आई आर का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ये V अपॉन I का ग्राफ होता है और ये होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। ठीक है, और इसको लिख देते हैं V इक्वल टू आई आर, और ये कब होता था, जब आपका टेम्परेचर क्या हो, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो, यानी स्थिर रहे, यानी तापमान स्थिर रहे। क्वेश्चन नंबर फोर, फिर से अगला क्वेश्चन, ए वायर पी इज हाफ द डायमीटर एंड हाफ द लेंथ ऑफ वायर क्यू ऑफ सिमिलर मटेरियल, द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ पी टू दैट ऑफ क्यू, रेजिस्टेंस पी टू दैट ऑफ क्यू बताना है, यानी एक तार पी समान सामग्री वाले तार क्यू के व्यास का आधा और लंबाई का आधा है, तो पी और क्यू के प्रतिरोधों का अनुपात क्या है, रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा है ना, रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा है, तो जल्दी से बताओ अपना आंसर, है ना, क्वेश्चन में लिखो और आंसर लिखो। तो मान लो पहले Q का जो फॉर्मूला होगा वो होगा Q का जो रेजिस्टेंस होगा, है ना, रेजिस्टेंस ऑफ Q का रो इंटू एल बाई पाई, डायमीटर को लिख सकते हैं हम D, तो रेडियस पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, तो एरिया हो जाएगा पाई डी बाई टू स्क्वायर, ये हो गया एरिया। ठीक है, यानी यहाँ से आप लिख सकते हो रो इंटू एल, यानी ऊपर हो जाएगा फोर बाई पाई डी स्क्वायर। बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ पी के बारे में, बात करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ पी क्या है, मटेरियल सेम है तो रो सेम, लेंथ कर दिया हमने हाफ, ठीक, अच्छा पाई, डायमीटर भी क्या कर दिया, डायमीटर को भी हाफ, तो रेडियस कितना हो जाएगा डी बाई फोर, डी बाई फोर का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर तो वैल्यू आ जाएगी 16 रो एल बाई टू पाई डी स्क्वायर, कैंसल आउट करोगे आ जाएगा 8, यानी आ गया आपका 8 रो एल बाई पाई डी स्क्वायर। पूछा क्या है, देखो P और Q के रेजिस्टेंस का रेशियो पूछा है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ P डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ Q, तो हो जाएगा 8 रो L बाय पाई डी स्क्वायर, और Q का रेजिस्टेंस
फोर रो एल बाय पाई डी का स्क्वायर। चलो भैया कौन किसको किसने किसको मारा, तो रोवेल ने रोवेल को मारा, पाई डी स्क्वायर ने पाई डी स्क्वायर को मारा, और फोर ने एट को मारा दो बार में, तो बच्चा क्या 2/1, यानी रेशियो क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, तो जिसका आंसर सी आंसर सही। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव, द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इन साइड ए बार मैग्नेट, है ना, एक बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी होती है, यानी एक छड़ चुंबक के अंदर बल की चुंबकीय रेखाएं कैसी होती है। ऑप्शन पढ़ लो, मौजूद ही नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं करती है, या डिपेंड ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार मैग्नेट, यानी बार मैग्नेट के क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है, या फिर नॉर्थ पोल से साउथ पोल क्लियर होता है, या फिर साउथ पोल से नॉर्थ पोल क्लियर होता है। जल्दी से लिखो क्वेश्चन और उसका करेक्ट आंसर, है ना, और कमेंट में बताना है कि आपके कितने आंसर करेक्ट हुए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन रहेगा, 35 में से आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट आ रहे हैं, यहाँ जितना करेक्ट होगा उसी के आसपास आपका कहाँ करेक्ट होगा एग्जाम में भी। तो ये हो गया मेरा नॉर्थ पोल, ये हो गया मेरा साउथ पोल। जो फील्ड लाइंस होती है वो कहाँ निकलती है, हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इंटर करती है, ठीक है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इंटर करती है इस टाइप से। तो अंदर क्या होता है, और हमें ये भी पता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्लोज लूप बनाती है, यानी ये जो अंदर का पार्ट होगा वो अंदर कहीं ना कहीं ऐसे मिल रहा होगा, है ना, ऐसा क्लोज लूप बना रहा है। सिमिलरली ये भी लूप कैसे अंदर अंदर ऐसा क्लोज लूप बना रहा होगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमेशा क्लोज लूप बनाती है। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यानी इस मैग्नेट के अंदर फील्ड लाइन कैसे चल रही है, देखो डायरेक्शन किधर है, साउथ से नॉर्थ की ओर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। कहाँ पूछा गया था, इनसाइड, तो इनसाइड में साउथ से नॉर्थ, आउटसाइड में नॉर्थ से साउथ, ठीक है, अंदर के लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, भैया क्वेश्चन नंबर सिक्स बताओ जल्दी से, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड पोटेंशियल वी इच, है ना, विद्युत क्षेत्र ई और संभावित पोटेंशियल के बीच संबंध, है ना, पोटेंशियल के बीच यानी विभव के बीच संबंध पूछा गया, संभावित नहीं, इसे बोलते हैं विभव, पोटेंशियल, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, है ना, याद रखना है अच्छे से, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखो कहाँ दिख रहा है ऐसा, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, है ना, याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो ऑप्शन दिखेगा आपको ऑप्शन नंबर वन, बात समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं सेवन की, कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है कहाँ पर, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा बता दो, क्या होगा, ठीक है, जल्दी से बताओ, सर्कुलर, पैराबोलिक, लीनियर, स्पाइरल, वृत्तीय, परवैलिक और रैखिक और सर्पिल, स्पाइरल को सर्पिल बोलते हैं, सांप के जैसा, है ना। तो भैया क्या होगा, मान लो ये घुस, ये रहा मेरा एक मैग्नेटिक फील्ड, बाकी तो ऑप्शन आप लिख रही हो, आपने लिख ही लिया होगा जिनको पता होगा। तो कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन आया ऐसे भैया, है ना, घुसा जैसे एक इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी के साथ, जाएगा तो वो कैसा घूमेगा बताओ, उसका पाथ कैसा होना चाहिए, कैसा इंटर करता है, जब वो अंदर आता है तो कैसे घूमेगा वो, देखो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, है ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है नेगेटिव, तो इसका पाथ होगा नीचे की ओर, ना, पॉजिटिव चार्ज होता तो ऊपर पाथ बनता है ना, और वो कैसा घूम जाता है, सर्कुलर पाथ में बन जाता है ना, अगर कैसा कि अगर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है तब तब पाथ कैसा होगा, तब पाथ होगा सर्कुलर, ठीक है। चलो एक कुछ और बात है, अगर वेलोसिटी पैरेलल होता मैग्नेटिक फील्ड के तब कैसा बनता है, लीनियर, ठीक है, और जब दोनों नहीं हो तो क्या होता है, स्पाइरल, ठीक है। हमसे पूछा था परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, तो क्या होगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी वृत्तीय। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट बताओ जल्दी से, टू पैरेलल कनेक्टर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जब भी करंट फ्लो करता है तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल, नाइदर अट्रैक्ट नॉट रिपेल, नन ऑफ दिच, आकर्षित प्रतिकर्षित, ना ही आकर्षित ना ही प्रतिकर्षित। तो जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट ऑप्शन, मैं बताता हूँ इसका आंसर, कह रहा है दो ऐसे वायर हैं, कैसे वायर हैं, पैरेलल वायर, दोनों में करंट फ्लो कर रहा है और सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जब भी सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को खींचते हैं, यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है, कब होगा, जब दोनों होगा सेम डायरेक्शन में, तो ऑप्शन क्या होगा, अट्रैक्ट इच अदर। और दूसरी पॉइंट याद रख लो, है ना, अगर ओपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं ऐसे, एक ऊपर करंट तो दूसरा करंट नीचे, है ना,
जब ऐसे फ्लो करते हैं तब क्या होता, तब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे पर सेम फोर्स लगाते हैं। तो पहले वाले केस में करता है अट्रैक्ट यानी आकर्षित, ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में है तब, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल। तो करेक्ट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग कौन सा इक्वेशन सही है। सारे टर्म वन के इंपॉर्टेंट एग्जाम है आपका, 8 अप्रैल को एग्जाम होने वाला, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। ये टेस्ट आज का वन है, टेस्ट टू भी हम लेकर आएंगे जल्दी। तो जल्दी से करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ ए क्लोज लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, क्या होता है ये, क्या होता है म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनक्लोज, यानी जो उस लूप के अंदर, यानी इस लूप के अंदर जितना करंट गया, है ना, मान लो आई करंट गया ऊपर, ठीक है, आई करंट गया इस लूप के अंदर से, तो इसके अंदर यानी इस लूप के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट इनटू आई टाइम्स, ठीक है। तो इस टाइप का इक्वेशन देखो कहाँ दिखा है आपको, ऑप्शन नंबर बी में, ना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट होगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट प्लेस वेयर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू वर्टिकल कंपोनेंट, यानी जिस स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक के बराबर है, तो बताओ उस स्थान पर नमन कोण क्या है, है ना, नमन कोण बोलते हैं, पहली बार सुना मैंने, है ना, एंगल ऑफ डिप को नमन कोण बोलते हैं। तो क्या होता है भैया, बी एच इक्वल टू क्या होता है, बी कॉस थीटा, ठीक है, और बी वी क्या होता है, ये होता है बी साइन थीटा, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, आपने बोल दिया ना, मान लो अभी मैं थीटा को एंगल ऑफ डिप बोलते हैं तो मान लो ऐसा, तो कह रहा है दोनों इक्वल है, तो अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या हो जाएगा, अगर दोनों इक्वल है तो बी कॉस थीटा इक्वल टू बी, ऐसे सकते हो बी साइन थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी से बी ने बी को मारा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी वन, दिस इंप्लाइज टैन थीटा की वैल्यू हो जाएगी वन, तो थीटा कितना होगा, थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45, यानी जब 45 डिग्री होगा तभी ये दोनों कॉम्पोनेंट एक दूसरे के बराबर होंगे, है ना, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर बताओ 11, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट फॉर मेटल, मेटल के लिए डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 0, इन्फिनिटी, 1, माइनस 1, तो डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को डिनोट करते हैं के से। अब बात करते हैं सभी के लिए क्या क्या होगा, मेटल के लिए ये के की वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी, एयर हो, है ना, अगर मीडियम क्या हो, एयर हो, तो इसी डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू हो जाती है 1। तो हमसे पूछा था मेटल के लिए क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, एयर के लिए होता है 1, हमसे पूछा कि इसके लिए मेटल के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच एंगल कितना होता है, यानी विद्युत क्षेत्र और समविभव सतह के बीच, विभव सतह के बीच कोण कितना होता है, तो क्या होता है ये है अगर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, है ना, इसे क्या बोला हमने, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है ऐसे, है ना, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, और ऊपर क्या हो गया हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, ये रेड कलर हो रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस। बताओ इन दोनों के बीच में एंगल कितना, तो बोलोगे सर एंगल यहाँ कितना बनता है सर, हमेशा 90 बनता है, हमेशा कहीं भी देखोगे इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री हमेशा होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन पर बात करते हैं 13, बताओ ए मेटल स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी मेटल सरफेस को स्फीयर को रखोगे तो बताओ लाइन ऑफ फोर्स कौन सही है, यानी एक धातु के गोले को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो बताओ बल की रेखाएं चित्र में दिखाए गए पथ के अनुसार अनुसरण करती है, कौन सी करती है, कौन सा करता है, बार बार रिपीट है, बड़ा सेट का क्वेश्चन है और आने का चांस ज्यादा है, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है हमेशा लाइन ऑफ फोर्सेस है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही इंटर करती हैं और अंदर कहीं क्रॉस नहीं करती हैं, है ना, और इस सरफेस से बाहर भी आती हैं, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा
लाइन ऑफ फोर्सेस, है ना, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 तो गलत, 2 भी गलत, 1 नंबर गलत इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है जबकि हमें कितना बनना चाहिए, 90 बनना चाहिए। तो ऑप्शन करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना, हमेशा 90 बनता है और अंदर अंदर कभी फील्ड लाइंस होती नहीं है, मेटल के अंदर कभी भी फील्ड लाइंस अंदर नहीं होती, एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ, पृथ्वी के चुंबकीय तत्व क्या है, अरे लोहा, निकल, कोबाल्ट, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, या फिर 3 क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ अर्थ, है ना। ये मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ अर्थ होते क्या हैं, लोहा, निकल, कोबाल्ट होते हैं, एल्युमिनियम, चांदी और सोना होते हैं, या फिर 3 वो राशियां हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन करती हैं। तो ये दो तीन चीजें हैं जो पृथ्वी के, 3 राशियां हैं जो पृथ्वी के चुंबकीय व्यवहार का वर्णन करती हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ऑप्शन नंबर सी। टोटल क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15, Why the Wheatstone bridge more accurate than other method of measuring resistance? Wheatstone bridge को क्यों यूज करते हैं ये अदर मेजरिंग रेजिस्टेंस के तुलना में, यानी अदर मेथड की तुलना में इसको हम क्यों ज़्यादा रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट होता है, यानी प्रतिरोधों को मापने के अन्य तरीकों की तुलना में व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज का मैंने बड़ा अच्छा नाम बताया है, व्हीट मतलब क्या होता है, व्हीट मतलब होता है आपका गेहूँ, है ना, क्या होता है, गेहूँ, ठीक है। स्टोन मतलब होता है पत्थर, है ना, गेहूं पत्थर, और ब्रिज का मतलब क्या होता है, पुल। तो क्या हुआ, गेहूं पत्थर का पुल, हिंदी में बोलते हैं इसको गेहूं पत्थर का पुल, है ना। चलो कोई नहीं, तो बताओ ये किस मेथड पे डिपेंड करता है, ये एक नल मेथड पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि जब पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस हो जाता है तो गैलोमीटर से जो करंट फ्लो करता है आई जी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है, जीरो मतलब नल मेथड है ना, नल मेथड होता है। क्वेश्चन नंबर 16, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनोइड कैसे होते हैं, सोलेनोइड क्या होता है, इसे बोलते हैं सोलेनोइड, है ना, किसी चीज के इसको पर इसको आप रैप कर दो, है ना, किसी चीज के ऊपर इसको आप ऐसे रैप कर दो और इसमें से करंट फ्लो कराओ तो क्या होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाती है, है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट ऐसा जाएगा तो इसमें क्या होगा, इसे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रही है, मान लो ऐसे कुछ टाइप से, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर में क्या होती है, इनसाइड पूछा, अंदर में क्या होगा, तो अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कांस्टेंट होता है और स्ट्रांग होता है, याद रखना क्या होता है, कांस्टेंट होता है और स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। बाहर पूछा कितना आता है, बाहर जीरो होता है, याद रखना बाहर कितना होगा, बाहर पूछा जाएगा तो बाहर सोलेनोइड का कितना होता है, मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू जीरो होती है, कहां पर, बाहर में, अंदर, ये किस लिए मैं बात कर रहा था, ये अंदर के लिए बात कर रहा था, ठीक है। तो यूनिफॉर्म होगा और स्ट्रांग होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बाहर जीरो होता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम अब 17 की बात करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वन गॉस इज इक्वल टू, वन गॉस कितने टेस्ला के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो वन टेस्ला, वन टेस्ला, है ना, टेस्ला, एलन मस्क की कंपनी टेस्ला, कार बनाती है, इलेक्ट्रिक कार, ठीक है। तो 10^4 गॉस इक्वल टू होता है 1 टेस्ला, गॉस होता है मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, सीजीएस यूनिट है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, एसआई यूनिट है, ये भी याद रखना, ठीक। तो बताओ 1 गॉस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 गॉस इक्वल टू हो जाएगा 1/10^4 टेस्ला, या आप इसको लिख सकते हो 10^-4 टेस्ला, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 18, कह रहा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, यानी श्रेणी संयोजन में दो और दो से ज्यादा रेजिस्टेंस में क्या सेम होता है, जल्दी से बताओ अपना आंसर, है ना, और लिख कर मुझे, मैं बाबा कर रहा हूँ, कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए 35 में से, कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए ये मुझे कमेंट करने करके बताना अपना, ठीक है। मैंने लगाया यहाँ पर दो रेजिस्टेंस, ठीक है, देख लो, समझ लो ना, मैंने यहाँ लगाया दो रेजिस्टेंस, एक बैटरी से जोड़ दिया, ये रेजिस्टेंस R1, दूसरा रेजिस्टेंस R2, तो इसमें से क्या निकलेगा, रेजिस्टेंस है तो भैया निकलेगा क्या, करंट, क्या निकलेगा, करंट। अब बताओ यहाँ से जो करंट निकली, यहाँ से करंट निकला I, बैटरी का वोल्टेज था V, अब यही करंट क्या होगा, यही करंट तो दोनों से भाग रहा है ना, क्या कर रहा है, दोनों से करंट क्या रहा है, करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, इसके बीच वोल्टेज अलग होगा, इसके बीच वोल्टेज अलग होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कि श्रेणी में क्या होता है, करंट सेम होता है लेकिन
वोल्टेज अलग होता है। तो पूछा था क्या सेम होगा, सभी रेजिस्टेंस में करंट सेम होगा, यानी प्रत्येक प्रतिरोध के माध्यम से विद्युत धारा समान होती है। क्वेश्चन नंबर 19, द एंगल ऑफ डिप एट पोल एंड इक्वेटर रिस्पेक्टिवली। एंगल ऑफ डिप क्या होता है पोल पर और इक्वेटर पे, ठीक है। चलो एंगल ऑफ डिप अपना ऑप्शन लिखो, मैं बताता हूँ इसका आंसर। एंगल ऑफ डिप है ना कहाँ पर, एक होता है पोल पर और एक होता है इक्वेटर पर। अब इतना तो टाइम नहीं है कि पूरा एक्सप्लेन करके आपको समझना पड़ेगा, बस बता दे रहा हूँ याद रखना। पोल पे एंगल ऑफ डिप होता है 0 डिग्री, ठीक है। पोल पे होता है 90 डिग्री और इक्वेटर पे होता है 0 डिग्री, ठीक है। तो पूछा है पोल एंड इक्वेटर, तो पोल पे 90, इक्वेटर पे 0 है ना। पोल देन इक्वेटर यानी ध्रुव देन भूमध्य रेखा, तो ध्रुव पर 90, भूमध्य रेखा पर 0, तो ऑप्शन नंबर डी है ना। बी मत कर देना गलती से, डी होगा सही आंसर, डी, डी फॉर डॉग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ए पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ क्यूब ऑफ साइड एल, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द क्यूब, यानी एक बिंदु आवेश क्यू को भुजा एल के घन के मध्य बिंदु पर रखा जाता है, कहां पर, मिडल पर रखा जाता है, बीचों बीच रखा जाता है, मिड पॉइंट पर रखते हैं, तो बताओ घन से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा। तो ये बनाया मैंने एक क्यूब, ये बनाया मैंने एक क्यूब, ये बनाया मैंने एक क्यूब, इसको जोड़ा मैंने ऐसे, अब इसके सेंटर पे क्या रख दिया मैंने चार्ज क्यू, तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है फ्लक्स का, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या इस सरफेस के अंदर ये चार्ज है, हाँ सच, पूरा का पूरा चार्ज इस सरफेस के अंदर आ गया, क्योंकि इसके मिडिल में था ना, अंदर में था, बीचों बीच था, तो पूरा चार्ज कितना था, क्यू चार्ज था, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 20 में क्वेश्चन हो गया करेक्ट हमारा, बातें अब 21 पे। कह रहा है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ एन सेल्स, अगर एन सेल को अगर हम पैरेलल में लगा दें, यानी इसको अगर हम समांतर संयोजन में लगा दें एन सेल को, तो बताओ हमें क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो एन सेल को हमें लगाया है पैरेलल में, मान लो सारे सेल का ईएमएफ ई है ना, और सभी का इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, तो बताओ कि नेट ईएमएफ कितना होता है, ई नेट हो जाता है, वो ई के इक्वल होता है पैरेलल में, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, पैरेलल में यानी समांतर में, ठीक। और जो आपका आर नेट होता है, यानी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, वो कितना हो जाता है, आर बाई एन, ठीक है। तो नेट करंट क्या होगा, आई नेट, आई नेट की वैल्यू होगी ई नेट अपॉन आर नेट है ना, ई नेट अपॉन आर नेट, तो ई हो गया ई, आर नेट हो गया आर बाई एन, कितना हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ ई बाई आर, ठीक है। तो एन टाइम्स हो रहा है ना, एन टाइम्स मतलब बढ़ रहा है, यानी करंट आपका क्या होगा, करंट आपका बढ़ जाएगा, करंट कैंसिल क्या होगा आपका, कि आपको मोर करंट मिलेगा, यानी अधिक विद्युत धारा मिलेगी, बात समझ आ गया। क्वेश्चन में बात करते हैं हम 22 की, कह रहा है इन ए व्हीटस्टोन ब्रिज इफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर आर इंटरचेंज देन डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर विल बी, यानी गेहूं पत्थर के पुल में यदि बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में बदल दिया जाए ना, बदल देते हैं, तो बताओ गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा, तो क्या होगा, जो होगा तो होगा, वो आपने पढ़ा है, आपको पता है क्या होगा, तो मैं बनाता हूँ एक डायग्राम, तब तक आप अपना लिखो आंसर, ठीक है। ये बना दिया मैंने एक व्हीटस्टोन ब्रिज, ये लगा दिया मैंने यहाँ पर एक बैटरी, और बीच में लगा दिया मैंने एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है। ये हो गया पी क्यू आर एस। अब कह रहा है अगर इस पूरे सिस्टम में हम क्या कर दें, किसे इंटरचेंज कर दें, इस गैल्वेनोमीटर और इस बैटरी को इंटरचेंज कर दें, है ना। कैसे चेंज करें भाई, तो इसको यहाँ लगा दो और इसको यहाँ लगा दो, इंटरचेंज कर दो, तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, कोई चेंज नहीं होता है इंटरचेंज करने पर, याद रखना, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता, कभी परिवर्तन नहीं होगा, सेम होगा, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन था आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आते हैं हम 23 में। कह रहा है नो फोर्स एक्ट ऑन चार्ज, है ना, चार्ज लिखना, नो फोर्स एक्ट ऑन ए चार्ज, यानी किसी आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाए, तो बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा,
नोट डाउन कर लो, मैं बताता हूँ इसका आंसर। फोर्स इक्वल टू होता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, और फोर्स की वैल्यू होती है क्यू इंटू वी बी साइन थीटा। कह रहा है ये फोर्स होता है, कह रहा है फोर्स नहीं लग रहा उस पर, यानी फोर्स जीरो हो जा रहा है, यानी क्यू वी बी साइन थीटा की वैल्यू जीरो हो जा रही है। इसका मतलब है चार्ज भी है, वेलोसिटी भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये सब तो जीरो नहीं है, ये सब तो जीरो नहीं है, तो जीरो कौन होगा? साइन थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू जीरो। अब बताओ साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब कब होती है? यानी थीटा की वैल्यू या तो 0 डिग्री हो, पाई हो, 2 पाई हो, 3 पाई हो, ऐसा। तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन में? ऑप्शन में दिख रहा है सिर्फ एक ऑप्शन नंबर ए, पाई, है ना? पाई होगा तभी नहीं होगा, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 0 सब। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्रॉम क्लोज लूप? क्या चुंबकीय रेखाएं हमेशा बंद लूप बनाती है, यानी क्लोज लूप बनाती है? तो आंसर होगा हाँ सर, बोलो बड़ा बड़ा हाँ, बोलो यस, हमेशा बनाती है ना? यस, हमेशा बनाती है, ऑप्शन नंबर ए होगा सर करेक्ट। ठीक है, पढ़ा होगा क्यों बनाती है, चाहे वो एक सर्कुलर वायर में करंट फ्लो करे उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है, एक स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो करे तो भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा लूप बनाती है? क्लोज लूप बनाती है हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द इंड्यूस ईएमएफ एल डी आई अपॉन डी टी इज एनालॉगस टू, यानी एल डी आई अपॉन डी टी ये किसके एनालॉगस है, इस ये टर्म किसके एनालॉगस है? ये हमारा होता है ईएमएफ। ठीक है, तो ये किसके एनालॉगस है? हमारा प्रेरित विद्युत भाग बल, है ना? इंड्यूस ईएमएफ किसके एनालॉगस है? ठीक है, एल डी आई अपॉन डी टी, तो जैसे हम पढ़ते हैं फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है हमारा, पढ़ा है ना, एम डीवी अपॉन डी टी, है ना? ऐसा एक्सप्रेशन होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा मास है वो एनालॉगस होता है इंडक्टेंस के, जो वेलोसिटी है वो एनालॉगस किसके होता है? यहाँ पर वेलोसिटी एनालॉगस होता है हमारा करंट के, तो यहाँ पर फोर्स किसके एनालॉगस होगा? इंड्यूस ईएमएफ के। यानी ये जो पूरा का पूरा टर्म है एल डी आई अपॉन डी टी, ये किसके एनालॉगस है? ये ई के इक्वल है, और ये ई किसके एनालॉगस हो जाएगा? फोर्स के, हाँ, किसके एनालॉगस हो जाएगा? फोर्स के, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 26, द रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय मैंगनीन, है ना? एलॉय है, क्या लिख दिया उसने? एलॉय मतलब मिश्र धातु, मैंगनीन की प्रतिरोधकता, है ना? रेजिस्टिविटी इसे बोलते हैं, रेजिस्टिविटी को नोट करते हैं रो से। तो ये क्या होता है? ये एलॉय के लिए, यानी फिर इसको बोलते हैं एलॉय, या इसको हम बोलते हैं मिश्र धातु, है ना? हिंदी में देखना स्पेलिंग मेरी शायद राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है ना, मिश्र धातु बोलते हैं इसको। इनका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या होती है? ये कॉन्स्टेंट होती है, यानी नियत रहती है, ना ही घटती है ना ही बढ़ती है, कॉन्स्टेंट रहती है हमेशा। यानी ये नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है ना? ये कॉन्स्टेंट होता है ना, टेम्परेचर बढ़ने यानी टेम्परेचर पे, यानी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, है ना? ये डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेकिन अगर मेटल के लिए क्या होता? अगर मेटल होता यानी कनेक्टर होता, तो टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टिविटी भी बढ़ जाती है, और अगर सेमी कनेक्टर होता, है ना, यानी अर्धचालक होता, तो इसके लिए याद रखो, अगर सेमी कनेक्टर होता तो टेम्परेचर बढ़ने पर इसकी रेसिस्टिविटी घट जाती। तो ये भी चीज आपको याद रखना है, कौन सा जी, है ना? इसको भी याद रखिए, कभी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, पूछा कौन सा करेक्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं है, नहीं है। व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए सर्किट चेंज एंड ईएमएफ व्हिच इंड्यूस, फैराडे लॉ, है ना? फैराडे लॉ का ही तो यही क्वेश्चन था, ये तो सही है। ठीक, द इंड्यूस ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा तब तक ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये भी कथन सत्य है, ये भी स्टेटमेंट सही है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज गिवन बाय लेंज लॉ, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इसका डायरेक्शन कौन बताता था? लेंज लॉ बताता था, ये भी सही है। लेंज लॉ इज कंसिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या ये सही है?
क्या लेंज का नियम संवेग के संरक्षण का नियम का परिणाम है? नहीं सर, इसका परिणाम थोड़ी है। किसका परिणाम था सर? तो मोमेंटम नहीं था सर, वहां पर एनर्जी था, है ना, एनर्जी का होता है। तो ऑप्शन गलत कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, संवेग का नहीं होता, वो ऊर्जा का होता है। किसका होता है? वो ऊर्जा का होता है। तो फिर से पूछा था कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यानी कौन सा कथन सही नहीं है, गलत पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर कैरिंग करंट आई लाइज इन एक्स वाई प्लेन विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन, द टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एक्स वाई प्लेन क्या होगा? देखो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन। ये बनाया मैंने एक्स वाई प्लेन, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। इसमें मैंने क्या रखा? एक रखा सर्कुलर लूप, ये बना लिया मैंने एक सर्कुलर लूप, ठीक है, जिसका रेडियस मान लो आर है, जिस कितना है आर, इसमें से करंट फ्लो कर रहा है आई, करंट फ्लो करेगा तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी। अब फील्ड लाइन कैसे निकलेगी भैया? तो भैया फील्ड लाइन कैसे निकलेगी? फील्ड लाइन कैसे निकलेगी, है ना, बाहर से निकलेगी और अंदर जाके पीछे से इंटर करेगी, ऐसे, है ना, ऐसे जाएगी, सामने से निकलेगा पीछे से इंटर करेगी। तो जितनी जा रही है अंदर, जितनी निकली बाहर उतनी ही नीचे से गई अंदर, है ना, जितना गया बाहर उतना ही आया अंदर। देखो कैसे, ये देखो, यहाँ से जितनी फील्ड लाइन्स बाहर गई उतनी लाइन फील्ड लाइन्स अंदर आ गई, यहाँ से जितनी फील्ड लाइन्स बाहर निकली उतनी फील्ड लाइन नीचे से अंदर आ गई। तो जितनी गई उतनी बाहर आई, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा? नेट फ्लक्स जीरो, है ना, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? जीरो, है ना, कितना हो जाएगा? जीरो होगा। क्या रखना? जीरो होता है, लेकिन जितना जाती है उतनी बाहर भी आती है। ऑप्शन नंबर डी, जीरो हो रहा है। तो ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर था ये हमारा 28 का होगा जीरो। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, थ्री कैपेसिटर ऑफ इच कैपेसिटी सी आर एडेड इन सीरीज इन कनेक्शन देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? तो मैंने लगाया तीन कैपेसिटर ना, इस टाइप से सीरीज में लगाया है, बताओ इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है? तो 1/C है, सीरीज में क्या होता है? 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1/C + 1/C + 1/C इक्वल टू हो जाएगा 3/C। तो ये 1/CS की वैल्यू थी, तो सीरीज में क्या होगा? CS की वैल्यू C/3, है ना, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, C/3। तीन था तो हमने तीन से डिवाइड किया, चार था तो हम चार से डिवाइड करते, कब? अगर सभी का कैपेसिटेंस इक्वल है तो, है ना, अगर सभी का कैपेसिटेंस इक्वल है तो क्या कर देंगे? सी जो पहले था एक का डिवाइड बाय जितने कैपेसिटर हमें लगाए हैं डिवाइड बाय उतने से कर दो सीरीज में, ठीक है, बात समझ आ गई। एक इंपॉर्टेंट बात इसमें और नोट कर लो, सीरीज में, है ना, सीरीज में क्या होता है? C/N, और अगर पैरेलल में क्या होता है? NC। तो याद रखो दोनों, है ना, ये याद रखना है आपको, डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, याद रखना, अगर सभी का कैपेसिटेंस सी हो तब, है ना, तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सीरीज में होता है C/N, पैरेलल में होता है NC। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20-30 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है हमसे, है ना, क्वेश्चन नंबर 30 हमसे कह रहा है, व्हेन ए डिक्रीज इन करंट इन द प्राइमरी कॉइल फ्रॉम 2 एम्पीयर टू जीरो इन 0.01 सेकेंड, द EMF जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल इज 1000 वोल्ट, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज। तो इंड्यूस EMF का फॉर्मूला होता है M-MdidtI, माइनस में डालो, माइनस तो कितना फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, MdidtI, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ हमें वैल्यू चाहिए ना, तो कर लेते हैं, तो माइनस लगा देते हैं, चलो माइनस, चलो माइनस लेके चलते अच्छे से। तो कह रहा है कि EMF कितना इंड्यूस हो गया, तो M के लिए कितनी हो गई? M के लिए हो जाएगी -E/DiDt, ठीक है, माइनस EMF कितना इंड्यूस हो गया? 1000, ठीक है, DI करंट कितना चेंज हो गया? 2 से 0, यानी फाइनल जीरो इनिशियल कितना था? 2 डिवाइड बाय कितने टाइम में हुआ है? 0.01 सेकेंड, ठीक है, करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी -1000 × 0.01 / -2, माइनस से माइनस मरेगा, ये पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो मारेगा और ये 2 मारेगा 10 को 5 बार में, तो कितना बचेगा? 5 हेनरी। करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 5 हेनरी। न्यूमेरिकल है, देख कर जाना अच्छे से एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 31।
कह रहा है एक करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, है ना, उसको जो टॉर्क लग रहा है वो किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, टॉर्क की वेलोसिटी होती है वो एन आई ए क्रॉस बी, है ना, ये होता है किसी भी लूप पर लगने वाले टॉर्क की वैल्यू। ठीक है, पूछा ये किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो देखो बताओ सर, क्या एरिया पे डिपेंड करता है, हाँ एरिया पे करता है। क्या वैल्यू ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, तो हाँ करंट पे भी करता है। क्या ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, तो हाँ सर इस पर भी डिपेंड करता है। तो पूछा किस पर डिपेंड नहीं करता है, इसने पूछा डिपेंड नहीं करना चाहिए, तो किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ तो सब पे डिपेंड कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। क्यों, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इनमें से सभी पे वो डिपेंड कर रहा था, तो पूछा था किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है टू अल्फा पार्टिकल हैविंग रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज 3:2 ऑन द एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करने पर दो अल्फा कणों के वेगों का अनुपात 3:2 है, इफ दे मूव इन डिफरेंट सर्कुलर पाथ देन द रेशियो ऑफ देयर रेडियस ऑफ देयर पाथ इज, तो कह रहा है अगर ये विभिन्न वृत्ताकार पथों में चलते हैं तो उनके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो बताओ फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, दोनों अल्फा पार्टिकल हैं तो दोनों का मास भी सेम, चार्ज भी सेम। ठीक है, सेम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, तो यहाँ से आर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, आर वन अपॉन आर टू की वैल्यू हो जाएगी वी वन अपॉन वी टू, और वेलोसिटी का रेशियो कितना दिया था, 3:2 का रेशियो था, तो दिस इंप्लाइज रेडियस का भी रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2 ही होगा, सेम होगा, है ना, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, अब दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन और बचे हैं, द करेक्ट प्लॉट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी वर्सेस डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ वायर इच, है ना, अगर मान लो वायर ऐसा होता है ना, थिक वायर होता, इसमें से करंट निकल रही है पूरी की पूरी, है ना, पूरे में से करंट आ रहा है, समझो ऐसा नहीं है कि थिक नहीं है, पूरे अंदर से भी करंट बाहर, हाँ पूरे एरिया से करंट बाहर आ रहा है, पूरे सेंटर से करंट बाहर आ रहा है, तो कह रहा है बताओ मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस आपसे ग्राफ पूछा गया है, ग्राफ याद रखना ऑप्शन होता है इसका पी, है ना, मैंने बताया पहले भी इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करके, क्योंकि इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बी की वैल्यू म्यू नॉट आई आर अपॉन टू आर स्क्वायर, ना कुछ ऐसा ही होता है, ये इनसाइड होता है जब आर की वैल्यू लेस देन आर ओ, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली डिपेंड करता है आर पे, तो ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जब हम पहुंचते हैं कहां पर सर, हम जब बाहर पहुंचते हैं सरफेस पे, तो इसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट आई बाई टू आर, ये कब होता है जब सरफेस पे, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू कितनी होती है म्यू नॉट आई बाई टू आर, और आउटसाइड कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट, है ना, म्यू नॉट आई बाई टू आर, ये क्या होता है जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन आर, यानी बाहर की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिपेंड करता है आर पे, इनवर्सली, है ना, तो कैसा ग्राफ आता है, ये वाला ग्राफ। ठीक है, बात समझ आ गया, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम 34, दो क्वेश्चन और बचा है, कह रहा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए रॉड ऑफ कॉपर एज कंपेयर टू दैट ऑफ थिन वायर ऑफ कॉपर, अगर दो कॉपर रॉड है, एक मोटा है एक पतला है, तो दोनों के स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, यानी उसके विशिष्ट प्रतिरोध का रेशियो क्या होगा। अब अगर रो किस पे डिपेंड करता है, एक तो मटेरियल पे, है ना, इसे बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और ये डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर पे। ठीक है, अब कह रहा है दोनों मटेरियल क्या है, उसने कहा कि दोनों कैसा है, दोनों कॉपर है तो कॉपर ही क्या है, दोनों तो है कॉपर ही, अगर दोनों कॉपर है, ठीक है, तो दोनों का क्या होगा, दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि वो मोटा हो पतला इस पर डिपेंड नहीं, मतलब नहीं है, दोनों कॉपर है ना, तो अगर दोनों कॉपर है तो दोनों का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सेम होगा, और आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट सेटिस्फाइड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं किया जाता है, इसमें कौन सी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा गुण विद्युत आवेश से संतुष्ट नहीं होता है, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, टोटल चार्ज कंजर्वेशन ये होता है इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, सही है, कंडेंसेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये भी सही है,
यानी किसी भी चार्ज को आप इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के रूप में लिख सकते हैं, यानी क्यू इक्वल टू एन ई आप लिख सकते हैं, ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी भी क्या है, ये सही है। ऑसमोलिटी, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंड एक होता है नेगेटिव, दो टाइप के चार्ज होते हैं, ये भी सही है। तो ए भी सही है, बी भी सही, सी भी सही, पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी पूछता है सर्कुलर लाइन ऑफ फोर्स, यानी कि किसी भी चार्ज से जो फील्ड लाइन निकलती है वो कैसे बनाती है, वो एक सर्कुलर लूप बनाती है, क्या ये सही है, ये सही नहीं है, ये गलत है ना, ये क्या होगा, ये हमेशा आपका गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है, यानी वो बल वृत्ति रेखा नहीं बनाती है कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की बल रेखा वृत्ति होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं होती है। हमसे पूछा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हो गया आज का इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन, इसमें से बहुत से क्वेश्चन होंगे जो आपको हो सकता है आपके मॉडल्स आपके फाइनल टर्म एग्जाम में हो जाए, तो ये टेस्ट वन था, फिर हम 1 से 2 दिन में करेंगे आपको टेस्ट नंबर 2, तो चीज़ों को देखकर अच्छे से और आपका जो भी करेक्ट आंसर आया है उसको कमेंट बॉक्स में लिखें कि 35 में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट है, और ईमानदारी से सही सही, ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं फिर इतना ही, फिर हम मिलते हैं सभी नए वीडियो में।